ये है अर्थ इंडिया न्यूज। कोरोना बना काल, 24 घंटे के अंदर 7,466 नए केस आए सामने। मरीजों की संख्या 1,65,799 के पार। 4,706 लोगों ने तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन। 74 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। अमित जोगी ने ट्वीट कर दी जानकारी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके उनके दर्शन हो सकते हैं। सवेरे रायपुर से बिलासपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। बिलासपुर में मरवाही सदन जहाँ योगी जी का भवन है वहाँ 20 मिनट के लिए रुकेंगे। मरवाही सदन से सीधे निकल के कोटा होते हुए रतनपुर जाएंगे। कोरोना के इस भीषण काल में वो लॉकडाउन के निर्देशों का पालन योगी परिवार करेगा। अब जो अनुमति मिलेगी उतने लोग वहाँ पर जाएंगे। भारत चीन विवाद मामले में ट्रंप के दावे पर भारत का बयान। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच नहीं हुई कोई भी बात। 1 जून से चलेंगी 200 और ट्रेनें। टिकट की बुकिंग शुरू। रेल मंत्रालय की अपील। बीमार गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से अधिक के बुजुर्ग न करें यात्रा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में टिड्डी दल ने बोला धावा। 7 राज्यों में अलर्ट जारी। लॉकडाउन 4 खत्म होने में 2 दिन बचे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोले, नहीं खोलनी चाहिए राज्यों की सीमाएं। सोनू सूद के बाद स्वरा भास्कर ने संभाला मैदान। 1,350 मजबूर मजदूरों को भेजा उनके घर। पार्लर जाने के लिए सोनू सूद से यूजर ने मांगी मदद। सोनू ने भी इस ट्वीट को मजेदार तरीके से किया हैंडल। लिखा, सैलून जाकर क्या करोगे, क्योंकि सैलून वाले को मैं गांव छोड़कर आया हूं। अगर उसके पीछे पीछे गांव जाना है तो बताए। टीवी की नागिन करिश्मा तमन्ना ने जबरदस्त अंदाज में की मून वॉक। एक्ट्रेस के डांस के वीडियो ने मचाया धमाल।